दोस्तों यूं तो जी टीवी के प्लेटफॉर्म पर अब तक कई तरह के सीरियल आ चुके हैं, लेकिन दर्शकों को सबसे ज्यादा लुभाने में कामयाब साबित हुआ था सीरियल डोली अरमानों की, क्योंकि शो की कहानी तो लाजवाब थी ही, साथ ही एक सिंपल लड़की पर आधारित थी जो अपनी शादी के लिए कई अरमान जगाती है, लेकिन अफसोस उसके अरमान सब मिट्टी में मिल जाते हैं जब उसकी शादी एक अमीर और अय्याशबाज लड़के से हो जाती है, जिसके बाद उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आती हैं जिनका उसे सामना करना पड़ता है। इस सीरियल की इसी दमदार स्टोरी ने दर्शकों को कई सालों तक अपने से कनेक्ट करके रखा था, लेकिन दोस्तों फिलहाल तो ये सीरियल ऑफ एयर हो चुका है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस सीरियल के बारे में नहीं बल्कि सीरियल में काम कर चुके कुछ चुनिंदा कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराने वाले हैं जो अपने पार्टनर से 4 कदम आगे हैं। अगर आप भी इनके होनहार पार्टनर से मिलना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही इस दमदार सीरियल के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। नंबर 5, गीता त्यागी। सीरियल में शशि राठौर का किरदार निभाते हुए अभिनेत्री गीता त्यागी नजर आई थी, जिनका किरदार सीरियल में सम्राट की माँ का था, जो स्वभाव से काफी चुलबुली होती हैं और थोड़ी लालची होती हैं, जिसके चलते ये अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। सीरियल में इन्होंने एक माँ का किरदार बहुत ही शिद्दत से निभाया और फेमस हो गई। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के रियल लाइफ पति के बारे में, तो इनके पति का नाम विजय त्यागी है, जिससे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी और आज इन्हें 2 बच्चों का सुख भी मिला हुआ है, जिनका नाम है अथर्व और मल्हार। फिलहाल तो ये अपने परिवार के साथ मुंबई में काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। की जानकारी के लिए बता दें कि इनके पति प्रोफेशन से एक बैंक मैनेजर हैं, जो कि एक MNC कंपनी में वर्कर हैं। मोहित मलिक। इस सीरियल में सम्राट सिंह राठौर का मुख्य किरदार निभाते हुए अभिनेता मोहित मलिक नजर आए थे, जिनका किरदार सीरियल में उर्मी के पति का था, जो एक अमीरजादे, घमंडी और अय्याशबाज होते हैं। इस सीरियल में इन्होंने एक नकारात्मक किरदार बहुत ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा था और फेमस हो गए। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की रियल लाइफ की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम अदिति मलिक है, जिससे इन्होंने साल 2010 में शादी की थी, जो कि एक लव मैरिज थी। इसीलिए तो शादी के 10 सालों बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं और काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक अभिनेत्री हैं, जिन्होंने बात हमारी पक्की है, कहानी घर घर की, कुमकुम, एक प्यारा सा और शरारत जैसे कई सीरियलों में काम किया है। नंबर 3, काम्या पंजाबी। इस सीरियल में ईशान की माँ दामिनी सिन्हा का किरदार अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने निभाया था, जो कि अपने बेटे से बेहद प्यार करती हैं और इसीलिए ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका बेटा उर्मी से शादी करे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उर्मी इनके घर की बहू बन जाती हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अदाकारा की रियल लाइफ के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम शलभ डांग है, जो कि प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है। इन्होंने अभी हाल ही में शादी की है और वर्तमान में अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शलभ डांग से शादी करने से पहले इन्होंने बिजनेसमैन बंटी नेगी से शादी की थी। शादी 10 सालों तक चली और फिर तलाक हो गया। नंबर 2, विभव राय। रियल में ईशान का किरदार निभाते हुए अभिनेता विभव राय नजर आए थे, जिनका किरदार सीरियल में सम्राट सिंह के दोस्त और उर्मी के पति का था, जिसे इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया था और फेमस हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस हैंडसम हंक की रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही इनकी कोई गर्लफ्रेंड है। फिलहाल तो ये अपने करियर पर फोकस करने में लगे हुए हैं और इनका मानना है कि पहले प्रोफेशनली लाइफ में सेट हो जाएं, उसके बाद सोचेंगे पर्सनल लाइफ के बारे में। नेहा मर्दा। इस सीरियल में लीड एक्ट्रेस उर्मी सिंह राठौर का दमदार किरदार अभिनेत्री नेहा मर्दा ने निभाया था, जो कि सम्राट सिंह राठौर की पत्नी है और स्वभाव से काफ़ी शांत और सुशील होती हैं। लेकिन अपने पति सम्राट सिंह राठौर से काफ़ी परेशान रहती हैं, क्योंकि इनके पति इन पर घरेलू हिंसा करते हैं, जिसके चलते ये अपने पति से तलाक लेकर अलग रहने लगती हैं। इस सीरियल में इनके किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, जिसके चलते ये दर्शकों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। लेकिन अगर बात करें इस ब्यूटीफुल अभिनेत्री के रियल लाइफ पति के बारे में, तो इनके पति का नाम आयुष्मान अग्रवाल है, जिससे इन्होंने साल 2012 में शादी की थी और शादी के बाद अपने पति के साथ मुंबई में ही सेटल हो गई थी। वर्तमान में भी अपने पति के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। आपको बता दें कि इनके पति पेशे से एक सफल बिजनेसमैन हैं और इनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। आपको डोली अरमानों की सीरियल में सबसे अच्छा रोल किसका लगा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।